पशुओं में लंपी स्किन वायरस रोग के मामलों के चलते ऊना जिला में हालात बेकाबू होने लगे हैं। पिछले 15 दिनों में जिला भर में 3,500 के करीब पशु इस रोग की चपेट में आ गए हैं, जबकि 88 पशुओं ने दम तोड़ दिया है। पशु विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम के इंचार्ज डॉक्टर आर के भट्टी ने बताया कि विभाग की तरफ से एक टीम का गठन किया गया है, जो जिला भर में गौशालाओं और पशुपालकों के घर घर जाकर मवेशियों का इलाज कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों का आंकड़ा बेहद डरावना है, जिसमें करीब 600 गाय इस बीमारी के जकड़न में आ गई हैं और 27 ने अपना दम तोड़ दिया है। भट्टी ने बताया कि इस बीमारी के किसी भी गाय में लक्षण देखे जाने की सूचना मिलते ही विभाग पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। प्रतिदिन केसेस बढ़ रहे हैं, जो आज की रिपोर्ट है उसमें 612 केस आए हैं और जो मॉर्टेलिटी है, जो मरने की मृत्यु दर, वो भी बढ़ रहा है। आज 21 तारीख को 21 केस हमारे पास रिस्पॉन्स रिपोर्ट हुए सारे, और अभी तक पिछले 15-20 दिनों में लगभग 3,500 से ज़्यादा जानवर इफेक्टेड हो चुके हैं। हमारे विभाग पशुपालन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है। पिछले कल ही बंगाना के पूरे एरिए में जितनी भी गौशालाएं थी और आज ऊना की जितनी गौशालाएं हैं, यहाँ हमने सारी फॉगिंग कर दी है, ताकि जितने भी हैं मच्छर मक्खियाँ और उन पर पूरा कंट्रोल किया जा सके, और साथ साथ जितने भी आपने देखा होगा कि इफेक्टेड जानवर हैं उनका ट्रीटमेंट पशुपालन विभाग की तरफ से निःशुल्क किया जा रहा है। और इसमें अब धीरे धीरे पशुओं ने रिकवर करना भी शुरू कर दिया है। इक्का दुक्का केस ऐसे आ रहे हैं जिनका प्रॉपर तरीके से अभी पशुपालकों को भी पूरा इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या बता नहीं पा रहे हैं, उनमें थोड़ी हमें प्रॉब्लम आ रही है, पर 99% हम केस की रिकवरी देख रहे हैं यहाँ।